नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर झलक, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट एट इंदिरा आईवीएफ मेहसाणा सेंटर से। तो आज हम आपसे ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आईयूआई और आईवीएफ में क्या डिफरेंस है, किसको करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि आईयूआई, तो ये आईयूआई क्या होता है। तो आईयूआई का मतलब होता है कि इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। तो ये प्रोसीजर कैसे होती है, तो जो हस्बैंड का जो सैंपल होता है उसको हम लेबोरेटरी में वॉश करते हैं और जो अच्छे जो शुक्राणु होते हैं उसको एक छोटी सी कैन्यूला में लेते हैं और गर्भाशय में डाल देते हैं, इसको बोलते हैं आईयूआई। आईवीएफ क्या होता है, जबकि आईवीएफ में अंडे को शरीर से बाहर निकालते हैं, शुक्राणु को लेबोरेटरी में लेते हैं, दोनों का मिलन करवाते हैं, गर्भ बनाते हैं और जो अच्छा गर्भ होता है उसको गर्भाशय में छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं कि आईवीएफ। तो ये आईयूआई किसको करवाना चाहिए, तो जो भी ट्रीटमेंट होती है वो हस्बैंड और वाइफ की बेसिक जांच के बाद वो डिसाइड होती है। तो जो भी हमारे क्लिनिक में कपल आता है उसके हम पहले बेसिक जांच करवाते हैं, जांच के हिसाब से हम उनको बोलते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो आईयूआई ऐसे कपल में करनी चाहिए कि जिसका हस्बैंड का जो सैंपल होता है, सीमेन का जो पैरामीटर्स होता है उसमें काउंट कम हो, मोर्टिलिटी जिसकी कम होती है, मॉर्फोलॉजी में कोई दिक्कत परेशानी होती है, या तो कोई हस्बैंड होता है जो रिलेशन रखने में सक्षम नहीं होता है, तो ऐसे केस में हमको आईयूआई करना चाहिए। साथ में हमको वाइफ का ये फैक्टर देखना चाहिए कि उसकी जो एज होती है वो कम होनी चाहिए, उसका ओवेरियन रिजर्व अच्छा होना चाहिए और जो दोनों फैलोपियन ट्यूब होती है वो अच्छी होनी चाहिए और जो सीमेन का जो शुक्राणु का जो काउंट होता है वो करीबन 15 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम आईयूआई डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं। उसका जो सक्सेस रेट होता है वो पर साइकिल 15-20% होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आईवीएफ, तो ये आईवीएफ किसको करवाना चाहिए। तो पहले हम वाइफ का डिस्कस करते हैं कि जो भी रिपोर्ट्स होता है, तो रिपोर्ट्स में या तो फिर वाइफ का एडवांस एज होता है, मतलब कि मोर देन उसका 35 एज होता है, ओवरियन रिजर्व जिसका कम होता है, जिसका फैलोपियन ट्यूब कम होता है, या तो फिर 2 या 3 साइकिल जिसका आईयूआई फेल हो गया है, तो ऐसे केस में हमको आईवीएफ करना चाहिए। हस्बैंड की तरफ से जिसका सीमेन का रिपोर्ट जो होता है उसमें जो शुक्राणु का जो काउंट होता है वो 10 मिलियन से कम होता है, या तो फिर उसमें काउंट मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी में कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है, तो ऐसे केस में हमको आईवीएफ करवाना चाहिए। तो सिंपल है ये, जो भी कपल आता है उसका बेसिक जांच के हिसाब से हम उन कपल को आईयूआई या आईवीएफ का ट्रीटमेंट का हम सलाह सूचन करते हैं। थैंक यू।